हेलो फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हमने निफ्टी के 15 मिनट चार्ट में समझा था, यहाँ से जो बाउंस है ये ए ओवर वन और ये एक इरेगुलर करेक्शन मान रहे थे यहाँ पे बी ओवर टू। सी ओवर थ्री के लिए हमने प्रोजेक्शन निकाला था 100 to 123%, इस रेंज में हम बाउंस एक्सपेक्ट कर रहे थे। यहाँ पे गैप डाउन ओपनिंग के बाद एक शार्प बाउंस तो हमें देखने को मिला, लेकिन यहाँ से ए बी सी बनाने के बाद फिर से हमें एक डिक्लाइन देखने को मिला, वापस यहाँ पे हाई के करीब जो है हमें क्लोजिंग देखने को मिली है, राइट। तो यहाँ से हम सी ओवर थ्री एक्सपेक्ट कर रहे थे, लेकिन ये पर्सनालिटी जो है काफ़ी स्लो एंड स्टडी प्रोग्रेस कर रही है, जो कि वेव थ्री की पर्सनालिटी नहीं लग रही है, राइट। आज फिर से अगर हम ये निफ्टी का 1 आवर चार्ट देखें तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये अभी भी एक डबल जिगजैग करेक्शन है, और हमें देखना है कि ये बाउंस जो है ये नया इम्पल्स स्टार्ट हो चुका है जो कि इसके ऊपर जाएगा, या अभी भी ये एक ए बी सी यानी कि करेक्टिव बाउंस होने के बाद ट्रिपल जिगजैग करेक्शन के लिए नीचे की तरफ वापस जाएगा, राइट। ये हमें आइडेंटिफाई करना है, राइट। तो इसका मतलब हमारा टास्क ये है कि ये बाउंस जो है ये बाउंस इम्पल्सिव है या करेक्टिव, ये हमें आइडेंटिफाई करना है। अभी के लिए हम यहाँ पे पिछले वीडियो में ये करेक्शन मान रहे थे, ये वन और फिर ये टू, राइट। लेकिन ये थ्री की पर्सनैलिटी नहीं है, कंपेयर टू इसके ये काफ़ी स्लो प्रोग्रेस कर रहा है, राइट। तो इसको हम स्मॉलर टाइम फ्रेम में आज फिर से देखेंगे। यहाँ पे ये जो है यहाँ पे ए ओवर वन और यहाँ पे बी ओवर टू के बाद ये काफ़ी स्लो है, राइट। अभी भी चलिए अगर ये वेव थ्री है, यहाँ पे ये वन और ये टू, ये अभी भी वेव थ्री है, तो यहाँ पे वन और यहाँ पे टू, ये एक इरेगुलर करेक्शन, और अब यहाँ से जो है ओपनिंग के बाद ही बहुत शार्प बाउंस आ जाना चाहिए, या तो गैप अप ओपनिंग के साथ ही ये कंटिन्यू कर जाना चाहिए, ये कंपनसेट करना चाहिए इस स्पीड को, राइट, वेव थ्री की। अभी अगर ये वेव थ्री है तो, लेकिन अगर ये बाउंस करेक्टिव है यहाँ से तो ये एक ए बी सी बाउंस, फिर से ए बी सी डिक्लाइन, सेकंड ए बी सी, ये थर्ड ए बी सी, ये फोर्थ ए बी सी और फिफ्थ ए बी सी जो है यहाँ पे ये ए बी और ये सी का प्रोजेक्शन है 100 to 123%, और यहाँ पे ये 61 और 100% का जो हमने प्रोजेक्शन निकाला है वो वेव फाइव का है, ये वन, ये टू, ये थ्री, ये फोर, और यहाँ से वेव फाइव का प्रोजेक्शन मिनिमम 61%, क्योंकि ये जो है 61% अचीव नहीं किया है, राइट। तो ओवरऑल ये रेंज है और उसमें भी वेव सी की रेंज आ रही है ये, राइट। इसको अगर ये ओपनिंग के साथ ही शार्पली ब्रेक कर देता है गैप अप ओपनिंग के साथ या तो फ्लैट ओपन होने के बाद, तो ही हम फिर से कंसिडर करेंगे कि ये वन टू और यहाँ से थ्री में वन टू और थ्री स्टार्ट हो चुका है, अदरवाइज यहाँ से प्रेजेंट लेवल से और अगर इस लेवल से डिक्लाइन करता है तो एटलीस्ट फिर से इस रेंज में हम डिक्लाइन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी में भी सेम 15 मिनट चार्ट में हमने समझा था, ये ए ओवर वन और ये करेक्शन बी ओवर टू, और यहाँ से सी ओवर थ्री का प्रोजेक्शन निकाला था और ये हम वन और टू एक्सपेक्ट कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे भी बाउंस होने के बाद फिर से एक डिक्लाइन दिया और हाई के अराउंड क्लोजिंग दिया, राइट। तो यहाँ पे भी स्लो एंड स्टडी ये प्रोग्रेस कर रहा है ट्रायंगल पैटर्न में। अभी अगर फिर से इसी चार्ट को अगर हम देखें तो जैसा हमने निफ्टी में समझा कि अभी भी अगर ये सी ओवर थ्री है तो ये वन और ये इरेगुलर करेक्शन यहाँ पे टू, ये वन और ये टू, इस तरीके से यहाँ से शार्प बाउंस आ जाना चाहिए ओपनिंग के साथ ही, या फिर गैप अप ओपनिंग होके कंटिन्यू करना चाहिए। अगर ऐसा नहीं करता है, यहाँ पे ये स्लो एंड स्टडी ट्रेडिंग करता है इसी रेंज में, तो फिर यहाँ पे भी ये अभी भी एक सपोर्ट रेंज है बैंक निफ्टी के लिए, और इस रेंज में एक डिक्लाइन और हमें देखने को मिल सकता है अगर यहाँ से शार्प बाउंस नहीं आ पाता है मॉर्निंग में तो, राइट। और ये डाउनसाइड ब्रेक इवन पॉइंट है, 42,306 को अगर ये ब्रेक करता है तो फिर से ये नेगेटिव बन जाएगा, अदरवाइज यहाँ से अगर एक डिक्लाइन भी करता है तो अभी भी हम इसको सपोर्ट रेंज कंसिडर कर सकते हैं। तो निफ्टी और बैंक निफ्टी में फ्रेंड्स आज के वीडियो में बस इतना ही।